क्वेश्चन नंबर 5, शर्मा एंड कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए, सभी अंशों से आवेदन राशि प्राप्त हो गई, इन सभी राशियां किस प्रकार देंगे? 20 रुपए वाले हैं, 20 रुपए वाले आपको पैसा मिल रहा है, देखो इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 13 एक जैसा है तो मैं उसी को बताता हूं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया हुआ है, शेयर हमारे पास 10 रुपए वाला जिसको 20% प्रीमियम पे निर्गमित किए हैं, ठीक है, हमारे पास 50,000 शेयर है, 50,000 समता अंश हमारे पास, 50,000 समता अंश इक्विटी शेयर है हमारे पास, कितने रुपया था? 10 रुपए वाला है, एक शेयर कितने का? 10 रुपए वाला, इसको हम लोग 20% प्रीमियम पे निर्गमित करें, 20% प्रीमियम पे। क्वेश्चन नंबर 7, 10 रुपए का 50,000 शेयर हमारे पास, इसको हम लोग 20% प्रीमियम पे निर्गमित कर रहे हैं, ठीक है। इसको जनरेटिंग कैसे हुआ? जर्नल ऑफ कंपनी का नाम है, एक कंपनी और कंपनी और कंपनी, ठीक है, 10 रुपए से 20% प्रीमियम जुड़ा हुआ है ना, प्रीमियम हमको निकालना है। तो पहला एंट्री सिंपल सा हमारा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा दिखे थोड़ा सा बड़ा कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है? समतंस का, और इसका एप्लीकेशन आता है हमारे पास टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। जब भी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होगा ना, संपूर्ण राशि एक साथ मिल गया, जब भी एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम रहता है तो पहले दूसरा एंट्री कर लेना, उसका अमाउंट डालना, दूसरा एंट्री का अमाउंट डालते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हम यहाँ पे क्रेडिट किए हैं उसको यहाँ डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे इसी में प्रीमियम भी जुड़ा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट इससे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास कितना शेयर है? 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है, और 50,000 शेयर है ना, 50,000 शेयर है 5,00,000 रुपये, ठीक है, 50,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना है? 5,00,000 रुपये हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है, 5,00,000 रुपये, इस 5,00,000 का उसमें क्या है? 20% प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 50,000 इंटू 10 का 20% निकालेंगे तो 2 रुपए आएगा, 10 रुपए का मैं 20% निकालूं, 20% मतलब 20/100 करूं, 1,01,01,01,01 2×1=2 रुपया, तो 50,000 का 2 रुपए कितना आएगा? 1,00,000 रुपए,
एक लाख रुपए प्रीमियम जुड़ा था, हमको 50,000 शेयर का 10 रुपए पैसा मिला, इसमें 1 लाख रुपए प्रीमियम को मिला, टोटल कितना पैसा आएगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए हमारे बैंक में आ जाएगा। कंप्लीट हो गया ये। टोटल 12 लाख रुपए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0 इसका भी आ जाएगा, टोटल 12 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, 12 लाख रुपए का टोटल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मोबाइल में थोड़ा सा चेंज डायरेक्शन को और तो नीचे कर लेते हैं हम तो। इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या क्या दिया 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है हमारे पास 20,000 शेयर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या होता है 20% प्रीमियम होता है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है। ठीक है, हमारे पास 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, कितने रुपए वाला 10 रुपए वाला, इसमें 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट को क्या करते हैं माइनस, 10% क्या कितना 1 रुपए आएगा, माइनस का 10 कितना आएगा 9 रुपए आएगा। अब इसकी जनरल एंट्री कर लो, ये तो रफ वर्क था। जनरल एंट्री करते हैं हम लोग, सबसे पहले एंट्री भाई बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 पूर्वाधिकार है तो डिफरेंट शेयर, और कुछ नहीं बोला तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, और नंबर 2 ये जो एप्लीकेशन में जो पैसा आया है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम को क्रेडिट किया था कैपिटल के साथ में, कैपिटल के साथ में प्रीमियम को क्रेडिट किए थे। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो उसके अपोजिट में लिखा, उसके उल्टा में लिखा मैंने डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को मैंने क्या किया है डेबिट किया है। अब प्रीमियम रहता तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। कितना है भाई 20,000 शेयर का वैल्यू कितना 10 रुपए के हिसाब से, 20,000 शेयर का वैल्यू है 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। 20,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना है 2 लाख रुपए, इसका 1 रुपए क्या है डिस्काउंट है, तो 20,000 शेयर का 1 रुपए डिस्काउंट में 20,000 रुपए, 2 लाख में 20,000 माइनस करो कितना आएगा 1,80,000। ठीक है, 2 लाख में हम 20,000 माइनस करके कितना आएगा 1,80,000 आएगा। ठीक है, अब ये 1,80,000 आया है, यहाँ पे भी 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 1,80,000 1,80,000 रुपीज। कंप्लीट हो गया ये, टोटल कर दो आ जाएगा आंसर। कितना जाएगा 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपए। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाम कितने कंपनी का, एक लिमिटेड कंपनी, जर्नल जर्नल ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिख लो इसको ना।